नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। अमीन के जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने अब अपने सपने को पूरा करने के लिए सोच लिया था, लेकिन बिहार सरकार ने बहुत बड़ी आघात कर दिया उनके जीवन पर। बड़ी खबर यह है कि अमीन भर्ती बहाली रद्द हो चुकी है। 1767 जो पद था, अमीन की बहाली अंतिम चरण में अब चल रही थी। इसको लेकर क्या आदेश आया है, ये बहाली क्यों रद्द हो गई, संपूर्ण ये इसके बारे में न्यूज़ जानने के लिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और एक बात बता दें, जितने भी विद्यार्थी का अमीन में फाइनल सिलेक्शन हो गया था अर्थात उनका मेरिट बना था, वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कहाँ कौन कौन लोगों का हुआ है। आपसे बता दें कि ये जो अमीन बहाली प्रक्रिया है इसको अब रद्द कर दिया गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी तक जो खबर आया है केवल यही मिला है कि अमीन भर्ती परीक्षा रद्द कर दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट की पुरानी नीति है, कुछ दिन पहले दरोगा बहाली को रद्द किया गया, लोग ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे थे, अब ये भी अमीन बहाली के लिए भी वेट कर रहे थे, इनको भी रद्द कर दिया गया। आज जस्ट मात्र 5 मिनट पहले बीपीएससी की वैकेंसी, जो 67वीं की वैकेंसी थी, जो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया था 23 जनवरी 2022 को, उसको भी बढ़ा दिया गया। अब देखिए स्टूडेंट के साथ सरकार क्या कर रही है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।